सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर आईपीएल सीजन 11 में अपना विजयी आगाज किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 177 रनों का टारगेट दिया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.5 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज कर ली। कोलकाता के लिए सुनील नरेन ने 19 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 रनों की तूफानी पारी खेली। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए। सुनील नरेन की तूफानी पारी के बाद अपने नए कप्तान दिनेश कार्तिक यानी नाबाद 35 की जिम्मेदारी भरी पारी के दम पर कोलकाता आरसीबी को शिक्षा देने में कामयाब रही। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 की हर ताज़ा और मज़ेदार खबर आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।